गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम नेक्स्ट क्लास रेप्टिलिया का वर्णन करेंगे। रेप्टिलिया के करैक्टर और एग्जांपल हम लेंगे। जैसा कि आप देख रहे हैं रेप्टिलिया, आपने पहले भी नाम सुना होगा। रेप्टिलिया में वो जानवर आते हैं जिनमें क्रीपिंग मूवमेंट है, क्रीपिंग या क्रावलिंग। आप किसी भी रेप्टिलिया को देखें, किसी भी रेप्टाइल को देखें, स्नेक, लिजार्ड, क्रोकोडाइल, टर्टल, ये सारे के सारे, एलिगेटर, ये सारे क्रीपिंग चलते हैं, सीधे नहीं चलते, थोड़े से ऐसे चलते हैं। इस मूवमेंट को हम कहते हैं क्रीपिंग मूवमेंट। तो वे सारे एनिमल जिनमें क्रीपिंग मूवमेंट होती है उनको हम कहते हैं रेप्टिलिया। रेप्टिलिया संख्या में लगभग 10,000 के आसपास है, अप्रोक्सीमेटली इनकी टोटल स्पेसीज अप्रोक्सीमेटली। इसमें थोड़ी बहुत ये एक्चुअल में जो नंबर ऑफ स्पीसीज है ये किसी का भी करेक्ट नहीं है। इसमें अप्रोक्सीमेट सारी स्पीसीज का ना तो हमें जानकारी है, ना ही सारी स्पीसीज के बारे में हम जानकारी दे सकते। इसमें जो रेप्टिलिया है इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट करैक्टर है वो ये है कि इनकी स्किन कवर्ड विद स्केल्स और बोनी प्लेट। स्केल्स हॉर्नी होते हैं, हॉर्न के बने होते हैं, और बोनी प्लेट स्क्यूट होते हैं। आपने कछुआ या कोई सांप या मगरमच्छ देखा होगा, उसकी स्किन बड़ी हार्ड होती है। तो इसका सबसे पहला करैक्टर है कि ये स्किन कवर होती है। दूसरा, ये भी कोल्ड ब्लडेड है। इनका भी बॉडी टेम्परेचर, जब टेम्परेचर कम होता है तो कम हो जाता है, ज्यादा होता है तो ज्यादा हो जाता है, टेम्परेचर चेंज हो जाता है। और जिसकी वजह से ये थोड़े से वार्म क्लाइमेट में ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं। इन वार्म क्लाइमेट जब थोड़ी गर्मी होती है दे आर मोर एक्टिव। आप देखें गर्मी के दिनों में छिपकली खूब निकलती है। सांप बरसात के दिनों में जब टेम्परेचर ज्यादा होता है खूब निकलते हैं, क्योंकि वो टेम्परेचर बढ़ गया, वो एयर से एटमॉस्फेयर से टेम्परेचर लेके ये इनकी एक्टिविटी बढ़ जाती है। इसके अलावा इनमें सब में लंग रेस्पिरेशन होता है, ये सांस लंग से लेते हैं। इनमें जो रेस्पिरेशन ऐसे रेस्पिरेशन को कहते हैं पल्मोनरी रेस्पिरेशन। ये भी टेट्रापॉड है, टू पेयर ऑफ लिम्स हैं, केवल इसने एक को छोड़ के। इसने एक लेग लिम्स, आपको पता है इसने के पैर नहीं होते, बाकी सब में। इसके अलावा सिंगल नेल, इनका जो नाक है, जो नेजल ओपनिंग है वो सिंगल होती है। हमारे में दो होती हैं लेकिन इनमें सिंगल होती है। इनका जो स्कल है मोनोकोंडाइलिक, एक ऑक्सीपिटल कोंडाइल होता है, इसको कहते हैं मोनोकोंडाइलिक। स्कल में जो ऑक्सीपिटल कोंडाइल है वो एक होता है। तो ऐसे स्कल को जिसमें एक हो मोनोकोंडाइलिक कहते हैं। हम पढ़ेंगे हमारे अंदर दो है, इसको कहते हैं डाइकोंडाइलिक, जिसमें ऑक्सीपिटल कोंडाइल एक हो मोनोकोंडाइलिक, जिसमें दो हो वो डाइकोंडाइलिक। इसके अलावा इनमें जो वर्टिब्रे हैं, जो
नेक वाले वर्टिब्रे हैं उन वर्टिब्रे में सर्विकल वर्टिब्रे, नेक वाले वर्टिब्रे कहते हैं सर्विकल वर्टिब्रे। सर्विकल वर्टिब्रे में अटैचमेंट के लिए फॉर डिटैचमेंट दे हैव ए स्पेशल स्ट्रक्चर इंटरसेंट्रम जहां से सेकंड वर्टिब्रा जुड़ेगा। इसके बाद इनमें जो लिंब है वो पेंटाडेक्टाइल होते हैं। पेंटाडेक्टाइल के अंदर उनमें पांच प्रोसेस होते हैं, पांच क्लाव होते हैं, पांच उंगली होती है। आप ये मान के चले हार्ट इसका पार्शली डिवाइडेड, वास्तव में ऐसे होता है। अगर हम ये बात करें तो हार्ट इनका ऐसे होता है, ये दो ओरिकल और ये वेंट्रिकल है, लेकिन ये वेंट्रिकल कंप्लीट नहीं होता, इसलिए पार्शली डिवाइडेड इनटू फोर पार्ट। क्रोकोडाइल में कंप्लीट, क्रोकोडाइल में चार चैंबर गार्ड होता है, सबसे एडवांस रेप्टाइल में इसमें चार चैंबर है, दो ओरिकल दो वेंट्रिकल। तो क्रोकोडाइल को छोड़ के बाकी सभी में पार्शली फोर चैंबर गार्ड होता है। आरबीसी में न्यूक्लियस होता है, आरबीसी विद न्यूक्लियस, और इसके अलावा इनमें हीमोग्लोबिन भी होता है आरबीसी के अंदर। हमारे अंदर जो आरबीसी पाए जाते हैं उनमें न्यूक्लियस नहीं होता, वो इन्यूक्लेटेड कहलाते हैं। क्रेनियल नर्व 12 पेयर, अब आगे सब में 12 पेयर मिलेंगी, 12 पेयर ऑफ क्रेनियल नर्व। जितने भी ये हैं एक्सक्रीशन के लिए किडनी होते हैं, और वो किडनी मेटानेफ्रिकन में बहुत सारी नेफ्रोन है, किडनी आर मेटानेफ्रिक, मेटानेफ्रिक किडनी होते हैं और ये बहुत सारी नेफ्रोन से बने होते हैं। लेकिन एक्सक्रीटरी मटेरियल यूरिया भी हो सकता है, एक्वेटिक में अमोनिया होती है, और कुछ में जो डेजर्ट एरिया में रहते हैं उनमें यूरिक एसिड होता है, जो पानी कम यूज करते हैं उनमें यूरिक एसिड होता है पानी वालों में। इसलिए तीनों तरह का इसमें मोड ऑफ एक्सक्रीशन पाया जाता है। इसके अलावा इनमें वो जो लेटरल लाइन सिस्टम है जो कि एम्फीबिया में भी नहीं था, वो इनमें भी नहीं है। लेटरल लाइन सिस्टम एब्सेंट, इनमें भी नहीं होता। इसके अतिरिक्त ये यूनिसेक्सुअल है, मेल फीमेल अलग अलग होते हैं, तो इसको हम कहते हैं यूनिसेक्सुअल। अंडे देते हैं, ओविपेरस है, इंटरनल फर्टिलाइजेशन है, इनमें जो फर्टिलाइजेशन है वो शरीर के अंदर होता है, क्लोएका इनमें भी होता है, उसी में दोनों डाइजेस्टिव सिस्टम भी और एक्सक्रीटरी सिस्टम भी दोनों के लिए कॉमन ओपनिंग है, उसको हम कहते हैं क्लोएका। इसके अलावा ईयर इंटरनल सब में है, और स्नेक में ईयर नहीं होता, स्नेक को छोड़ के बाकी में एक्सटर्नल ईयर भी है।
एक छोटी सी ओपनिंग है वो एक्सटर्नल एयर है। इस तरह से इनमें ये करेक्टर्स हैं। इनके जो अंडे हैं एंड कवर्ड विद थिक सेल, क्योंकि ये अंडे पानी के बाहर देते हैं तो इनको अंडों की कवरिंग रहता है कि अंडे ना सूखें, उस पर एक सेल होती है अंडे के ऊपर, ये जो कवच होता है जो व्हाइट कलर की में कवरिंग दिखती है हार्ड, इसको सेल बोलते हैं। ऐसे अंडे विद थिक सेल टू प्रिवेंट डेसिकेशन, ताकि ये ना सूखें। डेवलपमेंट मोस्टली डायरेक्ट है, लार्वा जनरली नहीं बनता। इसलिए ये अंडे देते हैं, अंडों से डायरेक्ट बच्चे निकलते हैं, लार्वा इनमें जनरली नहीं बनता। इसमें कुछ एनिमल बहुत बड़े साइज में हैं, आप देखें क्रोकोडाइल, और इसके अलावा कुछ टर्टल, कुछ कछुए बहुत बड़े होते हैं, इनका साइज बहुत बड़ा हो जाता है, 100-150 किलो तक के टर्टल हो जाते हैं, तो साइज में भी ये काफी बड़े होते हैं। तो इसमें एग्जांपल मैंने आपको पहले बता दिए, इनके उन्हीं एग्जांपल को आप ध्यान करेंगे। जितने भी सांप हैं, ऑल टाइप्स ऑफ स्नेक, चाहे वो कोबरा हो, चाहे वो क्रैट हो, चाहे वाइपर हो, चाहे पाइथन हो, ऑल आर इन द रेप्टिलिया। इसके अलावा क्रोकोडाइल्स या लिजार्ड, ये सारे के सारे इसी में आते हैं। ये था हमारा क्लास रेप्टिलिया, इनको ध्यान करेंगे। नेक्स्ट जो क्लास है, क्लास एविज या बर्ड, वो हम अगले लेक्चर में लेंगे। अभी आप इन्हीं को ध्यान करें, कोई आपको मुश्किल लगे तो पूछ लें, किसी की कोई क्वेरी हो तो मुझे कॉल करें। थैंक यू।